गुदगुदी लगते ही हर कोई हंसने लगता है, लेकिन क्या पेड़ों को भी गुदगुदी महसूस होती है? सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक ऐसे प्रजाति का पेड़ मिला है जो गुदगुदी लगाने पर खिलखिलाकर हंसने लगता है। लेकिन भला पेड़ कैसे हंस सकता है? हंसने वाले पेड़ की ये जो कहानी सुनाई जा रही है वो कितनी सही है, इसका पता वायरल सच ने लगाया है। दावा है इंसानों की तरह इस पेड़ को भी गुदगुदी लगती है। दावा है इंसानों की तरह ये पेड़ भी गुदगुदी महसूस होते ही खिलखिलाकर हंसने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि भला पेड़ कैसे हंसता होगा और ये पता कैसे चलेगा कि पेड़ हंस रहा है या रो रहा है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये दावा है कि जब गुदगुदी होती है तो पेड़ अपनी पत्तियां और टहनियां हिलाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। अगर पेड़ हंसते हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई देखना भी चाहेगा कि पेड़ हंसते हुए कैसे लगते हैं। लेकिन ये हंसने वाला पेड़ मिलेगा कहाँ? सोशल मीडिया पर दावा है कि ये पेड़ यूपी के बहराइच जिले में करतनिया घाट के जंगल में है। एबीपी न्यूज हंसने वाले पेड़ की तलाश में बहराइच के करतनिया घाट जंगल के लिए रवाना हुआ। करतनिया घाट वन्य जीव विहार में दाखिल होते ही हमें घना जंगल दिखाई दिया। इस जंगल में मौजूद हजारों पेड़ों के बीच हमारी टीम उस पेड़ की तलाश में जुटी थी जो गुदगुदी लगाने पर खिलखिलाकर हंस पड़ता हो। जंगल के बीच में बनी इस सड़क से होती हुई हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में हमारी नजर कुछ पर्यटकों पर पड़ी जो एक पेड़ को घेर कर खड़े हुए थे और बेहद उत्साहित दिख रहे थे। हमने गाड़ी रोकी और पर्यटकों के पास पहुंचे। दरअसल ये पर्यटक पेड़ के तने को सहलाकर उसे हंसा रहे थे। हमें यकीन हो गया कि ये वही पेड़ है जिसको गुदगुदाने पर हंसने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। पहले देखिए लाल साड़ी में महिला पर्यटक ने जब इस पेड़ को गुदगुदी की तो क्या हुआ? पेड़ की टहनियों में कंपन हुई, पेड़ की टहनियां हिलने लगी। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ने पेड़ के तने को सहला कर देखा कि सच में पेड़ हिलता है या नहीं। कुछ देर सहलाने के बाद पेड़ में कंपन शुरू हो गई। हमारे कैमरे में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कैसे तने को सहलाने से पेड़ की टहनियां हिल रही हैं। न कोई पेड़ को हिला रहा था और न ही हवा तेज चल रही थी, सिर्फ सहलाने भर से पेड़ की टहनियां और पत्तियां हिल रही थी। जब ऐसा होता है तो लोग क्या महसूस करते हैं, सुनिए। कई लोग बताने लगे कि ये पेड़ गुदगुदी वाला पेड़ है, इसको गुदगुदी करने से ये हिलता है, उसमें कंपन होती है। तो वही हम लोग देख रहे थे कि सच में होती भी है कि बस ऐसे ही है। तो नहीं, सच में ये है वो पेड़ और सच में वो हिलता है। बहुत मजा आया, पहली बार देख रहे ऐसा पेड़। हमने भी वही करके देखा तो वास्तव में ऐसा होता है। तो लग रहा है कि इसे पेड़ मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है सहलाने से। पेड़ के हंसने की वजह वनस्पति विज्ञान का कोई जानकार ही बता सकता था। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात प्रोफेसर श्रीनिवास राव से हुई जो यहां वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। हमने प्रोफेसर को उस पेड़ का वीडियो दिखाया जो तना सहलाने पर अपनी डगाले हिलाता है और पूछा कि क्या किसी पेड़ पौधे को छूने पर ऐसे हिलना संभव है। कुछ रिसर्च ऐसी दिखती है, हाँ पेड़ पौधे भी फील करते हैं। इस वीडियो में जो पौधे दिख रहे हैं रैंडिया डोमेंटोरम को एमिक फ्रूट कहते हैं, एमिक नट कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरा इंडिया में है, हर जगह है, और इसकी आयुर्वेदा यूनानी सभी मेडिसिनल यूजेस में बहुत प्रचलित मात्रा में यूज करने का प्रथा है। इस पौधे का नाम और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन क्या पेड़ के तने को सहलाने से पेड़ को गुदगुदी होना संभव है, यानी तना सहलाने से डगाले हिलना संभव है? पॉसिबिलिटीज है, मगर उसकी रिस्पांस जो है इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में पता चलना बहुत मुश्किल है।
इसलिए ये कन्फर्मली कहना सहलाने से पौधा इमिडिएटली रेस्पॉन्ड करती है इतनी बड़ी पौधा बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर की माने तो सिर्फ छूने से पेड़ का इस तरह से कांपना या हिलना मुश्किल है। इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई है जो पेड़ के हिलने की वजह बता सके, लेकिन प्रोफेसर ने पेड़ को छूने से शाखाओं के हिलने की बात को खारिज भी नहीं किया। ऐसे में हमारी पड़ताल में सहलाने पर पेड़ के हिलने का दावा सच है, लेकिन पेड़ हंस रहा है या नहीं और उसे गुदगुदी महसूस हो रही है या नहीं, इस बारे में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए इस दावे पर हम सच या झूठ की मोहर नहीं लगा रहे हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।